हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस। गवर्नेंस के क्षेत्र में जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं तो उसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, हम एक एक करके इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। आइए तो फिर बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में, है ना। तो एडवांटेजेस का जो पॉइंट है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें नीचे से ही स्टार्ट करना चाहिए। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉइंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन द गवर्नेंस आर समराइज्ड हियर विद। यहाँ पे देखो, जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ उसी चीज को यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसको पढ़ना मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं उनको जो कि एडवांटेजेस के रूप में आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फास्ट एंड कन्वीनियंट सर्विस टू द सिटीजंस। तो डिजिटल अगर आप लेकर के जाओगे अपनी सर्विसेज को, जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही कन्वीनियंटली और बहुत ही फास्ट उन तक पहुंच पाएंगे, राइट। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो सिटीजंस है उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही होता है, राइट। So citizens can have easy and quick access to the related information regarding to all the public services by applying for any service online on web portal apps developed by the government, है ना। तो government ने जो भी apps, जो भी web portals बनाए हुए हैं वहां पे जाकर के अगर आप online चीजों को search करेंगे, online चीजों को अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही fast way में, बहुत ही convenient way में आप उस काम को कर पाएंगे। So this is the first benefit we get By going online, है ना? Online जब हम चीजों को लेकर के जाते हैं, अपने services को digital करते हैं, governance को digital करते हैं, तो हमें ये सारी benefits देखने को मिलती हैं। Further, he or she can get documents easily in electronic form or hard copy as per the requirement, है ना? आपको कोई भी अगर document की copy चाहिए PDF form में, तो वो भी चीजें जो है आपके पास available है। आपको पता होगा कि जब भी आप form fill up करते हैं, जैसे कि आपने IGNOU में admission के लिए नहीं, जब आपने form fill up करा होगा तो उसका PDF कितनी आसानी से आपको मिल गया होगा। आपको admission लेने के लिए पहले college जाना पड़ता था, वहां जाके form fill up करना पड़ता था, physically सारे काम को करना पड़ता था। अभी आप घर बैठे अपना admission जो है बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं और आपका जो admission का जो format निकल करके आएगा, जो PDF निकल करके आएगा, वो भी आप बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि आप इसको यहां से मंगवा सकते हो। So there is no more waiting in the long queues. तो यहां पे आपको लंबे-लंबे लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, है ना? In other words, citizens can take advantage of many other online services just on a click of mouse, and the public services are available to them at their doorsteps by minimizing their transaction cost and traveling cost. सही बात है। मुझे एडमिशन के लिए अगर इग्नू जाना है तो मुझे बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ेंगे। ट्रेन का खर्चा दो, फिर बस का खर्चा दो, फिर टोटो का खर्चा दो, टोटो या ऑटो का खर्चा दो। सारे खर्चे देने के बाद फिर वहां जाकर के एक दिन का जो पूरा ट्रैवलिंग होता है, हैरेसमेंट वहां पे हो जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन जैसे ही चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, आपको इतना ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है कि आप सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज आप ऑनलाइन आप कर सकते हो सिर्फ एक माउस का क्लिक करके। बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज आपके घर पे अवेलेबल है, है ना। अभी के टाइम पे जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करो तो वोटर कार्ड भी जनरली हमारा जो BLO होता था वो हमें दे करके जाता था, लेकिन अभी जो BLOs, अभी जो वोटर कार्ड्स बन रहे हैं वो डायरेक्टली आपके घर पे एक तरीके से सेंड किया जा रहा है। जो राशन कार्ड्स बन रहे हैं, जो आधार कार्ड्स बन रहे हैं, वो किसी के थ्रू नहीं आ रहे, वो डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर हो रहा है। आप समझ रहे हो उसका बेनिफिट? आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आपको डोर स्टेप डिलीवरी आपको मिल रही है, जहां पे आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ट्रैवलिंग कॉस्ट दोनों ही घट रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटाइजेशन इन जो सर्विसेज है उसके क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में, है ना। गवर्नेंस के क्षेत्र में जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल होना का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये सारा है। दूसरा है रिडक्शन इन डिलेज, रेड टेपिज्म एंड करप्शन। तो रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, आपने नाम सुना होगा इससे पहले। करप्शन को बढ़ावा देने से ये रोकता है, करप्शन को नहीं होने देता। रेड टेपिज्म जो है लाल फीताशाही, जहां पे हम किसी का बहुत ज्यादा उसकी बात माननी पड़ती है या फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, पैसे खिलाने पड़ते हैं तब जाकर आपका काम होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपका काम जो है वो डिले नहीं होगा, आपका काम एक दो दिन के भीतर बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ऑनलाइन चीजें करने से ये सारी बेनिफिट जो है आपको मिलती है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ गया कर्सर मेरा, ये रहा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नमेंट एंड ए गवर्नेंस लोअर सेवरल एंड अदर रिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स सच एज लॉन्ग प्रोसेसेस, पर्सनल ग्रजेस ऑफ द डिलीवरी ऑफिसर एंड सो ऑन। सो ये सारी सारी चीजें जो है आप इससे छुटकारा पा सकते हो। सपोज आपको कोई पर्सनल ग्रज है किसी
डिलीवरी ऑफिसर जो है आपको पसंद नहीं करता, आपके काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहा, डिले कर रहा है आपके काम को, जो भी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी जब आप चीजों को ऑनलाइन लेकर के जाएंगे। इसलिए जब ऑनलाइन हुई है चीजें तो आपको ये सारी काम में जो है बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई है ना। करप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, पहले आपको पैसे खिलाने पड़ते थे कुछ सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए, कुछ कुछ करवाने के लिए, लेकिन अभी सारी की सारी चीजें ऑनलाइन है तो बहुत ही आसानी से आप तक जो है सर्विसेज पहुंच जाती हैं। विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज देयर इज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है डेफिनेटली, पब्लिक प्रोसेस जो है हमारा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है कि अगर आपका काम नहीं हो पाया तो सब व्यक्ति ने आपका काम क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, क्या रीजन दिया, ये सारी की सारी चीजों का जो है जवाब उसको देना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक तरीके से खत्म हो गई हैं या धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट जो गवर्नेंस के काम होते हैं उसको हम लोगों ने ऑनलाइन लेकर के गए हैं और उसको डिजिटल हम लोगों ने कर दिया है। इट नॉट जस्ट फास्टेंस द प्रोसेस बट ऑल्सो रिड्यूसेस करप्शन दैट कुड कम अप इन द मैनुअल प्रोसेस, है ना। वही बात जो मैंने कहा था कि एक तरीके से आपके प्रोसेस को भी फास्ट करता है, आप तक आपके काम को जल्दी पहुंचा देता है और साथ ही साथ ये जो करप्शन है उसको भी ये खत्म कर देता है जो कि मैनुअल प्रोसेस में जनरली होता था। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैनुअल प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है वो लोग आपसे घूस मांगे, करप्शन हो वहाँ पे, आपसे डिमांड कर दे ब्राइबरी, लेकिन जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें आपके साथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज दैट यू विल गेट व्हेन द थिंग्स विल बी ऑन डिजिटल मीडिया, है ना, या फिर डिजिटल होगा। थर्ड नंबर पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी आपके पास यू नो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन जो है बहुत ही इफेक्टिवली हो पाता है क्योंकि हम लोगों ने चीजों को डिजिटलाइज कर दिया है। कैसे, देखिए देखते हैं। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमाइज्ड थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक डोमेन ड्यू टू द स्पीड एंड एफिशिएंसी प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल टेक्नोलॉजीज, है ना। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से जो हमारा जो स्पीड बढ़ा है, जो एफिशिएंसी बढ़ा है, उसके कारण से जो भी हमारा रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा है हो, चाहे वो समय हो, समय भी एक किस्म का रिसोर्सेज होता है, इसका एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पा रहा है ना, जिसके कारण से चीजें जो है बहुत ही तेजी से हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है और बहुत ही एफिशिएंटली हो रही है, है ना। तो इसका बेनिफिट जो है हमें इनडायरेक्टली मिलता है। दिस काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विथ मैनुअल पेपर वर्क। तो मैनुअल पेपर वर्क जब हम करेंगे तो हमें इस तरह का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा समय भी बर्बाद होगा, हमें हैरस भी किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हमें जो है दिक्कत हमें देखने को मिलती है मैनुअल प्रोसेस में, पेपर वर्क के काम में। लेकिन जब से डिजिटल चीजें हुई है हमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, है ना। तो वही सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। अदरवाइज यूज इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें जो है पेपर में होती हैं, तो वहाँ पे तो पेपर में होना ही है, वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। पर जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनके लिए जो चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं वहाँ पे ऑनलाइन चीजें की जानी चाहिए, ऑनलाइन हमें करना चाहिए, हमारा जो काम है वो आसान होगा, जल्दी किया जाएगा और जो करप्शन है या जो फ्रॉड है वो भी होने के चांसेस हमारे साथ कम हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इनहेंस सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो डेफिनेटली चीजें जब ऑनलाइन हो जाएंगी लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान है, ऐसे करके देखते हैं हमारे घर पे जल्दी आ जाएगा। जैसे कि मेरे कलीग हैं, उनका राशन कार्ड बनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, कुछ ही महीनों में उनके घर पे राशन कार्ड जो है डिलीवर करके चला गया। अब अगर वो ऑफलाइन करते, अगर वो मैनुअली करते तो उनको बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होना पड़ता, आपको उनको बार बार अपने ऑफिस जाना पड़ता, वहां से आना पड़ता, एप्लीकेशन लिखना पड़ता, ये वो बहुत सारी चीजें उनको जो है करनी पड़ती। बट इसके कारण से चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। तो जब सर को पता चला कि भाई ये तो बहुत आसान है तो एक काम करता हूँ मैं कर लेता हूँ, उन्होंने अपने पांच दो और दोस्तों को बताया कि भाई इस तरीके से जो है प्रोसेस जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है सिटीजन का वो बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे चीजें डिजिटल है, यहाँ पे आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सिंपली आपको अपने वेबसाइट पे जाना है, अपने फोन पे खोलो या फिर अपने लैपटॉप पे खोलो, सिंपल सा वहां जाओ, जाकर के आप अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करो, जो भी आपको काम है आप वहां से करवा लो, है ना। तो जो सिटीजंस जो सिटीजंस का पार्टिसिपेशन है वो इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ा है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे ख्याल से, है ना। सो इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सिटीजंस पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो सिटीजंस होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज आर रेजेस the possibility of large scale citizen participation in policy making process of government despite the distances and diversity of the population, है ना। तो चाहे population में किसी भी तरह की diversity हो, लोग भले ही कितने दूर पे क्यों ना रहता हूँ, है ना, लेकिन policy making में, policy processing में उनका एक तरीके से अहम योगदान हो सकता है क्योंकि internet ने सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे हो, सबको उन्होंने जोड़ दिया है।
राइट सो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है चीजों को ऑनलाइन लेकर के जाने का, चीजों को डिजिटल करने का, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पांचवा जो एडवांटेज हम भी बताने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफर्ड बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो सर्विसेज ऑफर की जा रही है उसको एक तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है ना। कैसे किया जा रहा है हम बात करेंगे इस वीडियो इस टॉपिक में। बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट फंक्शंस कुड बी कनेक्टेड, है ना। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे एक तरीके से जो जानकारियां हैं वो भी बहुत ही इजिली लोगों के द्वारा अवेलेबल होंगी, जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा अवेलेबल होंगी, तो उनको भी काम करने में मजा आएगा और बहुत ही जल्दी वो काम को भी ठीक तरीके से डिस्चार्ज कर पाएंगे अपनी ड्यूटीज को। दिस इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफर्ड बाई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ईज ऑफ एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू द सिटीजन। अब इसके कारण से जो ईज ऑफ एक्सेस है पब्लिक सर्विसेज का सिटीजंस के द्वारा वो बहुत ही आसान हो गया है। हम किसी भी काम को बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट चूंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही फाइल को एक दो जगह पर डिपार्टमेंट पर लेकर के जाना होगा। आप एक डिपार्टमेंट को सबमिट करो, बाकी सारे डिपार्टमेंट के पास डेटा ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे जो है मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये पांच एडवांटेजेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ई गवर्नेंस में, आई मीन गवर्नेंस में करने के कारण आपको ये सारे के सारे एडवांटेजेस जो है आपको मिलती है, ठीक है ना। तो ये पांच पॉइंट्स हैं, बहुत ही आसान पॉइंट्स थे। ये आखिर का जो पैराग्राफ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडीड आखिरकार द ग्रोथ ऑफ ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड नोटिसेबल डेवलपमेंट्स इन द गवर्नेंस एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और इवन अ करंट कंट्री इवॉल्व्स फ्रॉम द मोस्ट बेसिक स्टेज ऑफ इम्प्लॉइंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस इन द हाइयर स्टेजेस। काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे एक पैराग्राफ है, बट यहाँ पे सिंपल सी वही बात बोली गई है कि जिस तरीके से ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट का एक तरीके से ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ बहुत ही स्ट्राइकिंग है, बहुत ही नोटिसेबल है, जिसका इस्तेमाल जो है सारी की सारी गवर्नमेंट कर रही है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का इस्तेमाल करके, इन चीजों का इस्तेमाल करके पब्लिक तक, सिटीजन तक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड वो कर सकते हैं, किस तरीके से वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो अच्छी सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज जो है सिटीजन तक प्रोवाइड की जा सके, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। दिस इज एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन बाई रेफरिंग द गार्टनर्स इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नमेंट। इसके बारे में बात बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हैं, ये पांच बेनिफिट्स आपको मिलती हैं, पांच एडवांटेजेस आपको मिलती हैं जब आप अपने गवर्नेंस को एक तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हो या फिर आप अपने गवर्नेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हो। तो ये पांच एडवांटेजेस आपको मिलती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अब काफी पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।